अयोध्या में शालिग्राम शिला पहुंचने वाले दिन ही एक खबर ने सभी को परेशान कर दिया। खबर के सामने आते ही सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो गई, पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। अब आप सोच रहे होंगे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल अयोध्या के रहने वाले एक युवक को अज्ञात कॉलर से राम मंदिर परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली। घटना के सामने आते ही लोगों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने राम जन्मभूमि परिसर को उड़ाने की धमकी दी है। फोन कॉल पर अयोध्या के एक निवासी को यह धमकी मिली थी। अयोध्या के रामकोट में रहने वाले मनोज ने फोन रिसीव किया था। उसने अपने मोबाइल फोन पर कॉल आने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस के अनुसार फोन करने वाले ने गुरुवार सुबह 10 बजे मंदिर परिसर को उड़ाने की धमकी दी। धमकी की सूचना मिलते ही पुलिस ने जिले के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात जवानों को अलर्ट जारी कर दिया। राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन के SHO संजीव कुमार सिंह ने कहा कि उन्होंने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि फोन करने वाले की पहचान का पता लगाने का प्रयास भी किया जा रहा है। अब गौरतलब है कि गुरुवार को भक्तों के हुजूम के बीच नेपाल के जनकपुर की बड़ी गड़क नदी से निकाले गए दो शालिग्राम शिला अयोध्या पहुंचे। जनकपुर के संतों ने पारंपरिक पूजा अर्चना के बाद शिला को श्री राम जन्मभूमि मंदिर न्यास को सौंपा। इस दौरान भारी संख्या में भक्त मौजूद रहे। वेदों के मंत्रोच्चारण के बीच भक्तों ने शिला का पूजन किया। बताते चले कि शालिग्राम शिलाओं से ही राम मंदिर के लिए भगवान राम माता सीता के साथ अन्य मूर्तियों का निर्माण किया जाएगा। शिला को मंदिर निर्माण समिति को सौंपे जाने के समय कई महत्वपूर्ण लोग मौजूद रहे। शालिग्राम शिला के नेपाल से अयोध्या सड़क मार्ग से लाया गया। इस दौरान जगह जगह पर भक्तों ने शिला का पूजन और स्वागत किया। शालिग्राम शिलाओं के दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने वाले लोग बेहद खुश नजर आए। महिलाएं राम नाम के गीत गा रही थी। वहीं कुछ लोग सालों बाद राम मंदिर का सपना सच होते देख भावुक हो गए। तो आपको कैसी लगी ये खबर, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।